गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर एट जिसमें हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी पी के कोऑर्डिनेट्स हैं टू एंड माइनस थ्री एंड क्यू क्यू दिया है टेन और वाई और इज टेन यूनिट्स क्या बोला है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसमें हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स P और Q है इनका डिस्टेंस जो है वो टेन यूनिट्स है मतलब कि हमारे पास P और Q दो पॉइंट भी दिए हैं और उनका साथ में डिस्टेंस भी दिया है तो जैसे सपोज करो हमारे पास ये दो पॉइंट है ये ले लिया मैंने दो पॉइंट एक लाइन ले ली मैंने ये ले लिया ये है पी और ये है क्यू ओके okay. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है हमें टेन यूनिट्स मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है और तो पता भी है लेकिन हमें बोला है कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है टू और माइनस थ्री और दूसरे के हैं टेन और वाई तो फिर बोला है कि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो तो इसमें हम क्या करेंगे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास दिया है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे पी क्यू सो फाइंड आउट करेंगे पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू पी क्यू की वैल्यू और हमारे पास दी भी है कितनी दी है टेन यूनिट्स ओके एक तरफ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और एक तरफ वैल्यू गिवन है तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला अब हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट पॉइंट से बनेगा एक्स वन वाई वन दूसरे पॉइंट से बनेगा एक्स टू वाई टू ओके फार्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर तो एक्स टू हमारे पास क्या है टेन माइनस टू होल स्क्र प्लस वाई टू हमारे पास क्या है वाई टू है हमारे पास वाई और माइनस और थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री में ऑलरेडी माइनस है तो डबल ब्रैकेट होल स्क्वेयर और इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास टेन जो टेन गिवन है उसको साथ साथ लिख लो अदरवाइज आपको पहले फॉर्मूला निकालकर फॉर्मूला डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर पी क्यू निकालकर फिर कंपेयर करना पड़ेगा नहीं तो साथ, -साथ लिखोगे तो सही रहेगा ओके एट स्क्वेयर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वेयर ओके एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर प्लस इसमें अब लगेगी आइडेंटिटी y प्लस थ्री होल स्क्वेयर है मतलब a प्लस बी होल स्क्र की आइडेंटिटी सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ओके ए है हमारे पास क्या y वाई प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी और इक्वल्स टू टेन ओके सिक्सटी फोर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस नाइन और प्लस इनको मल्टीप्लाई करो थ्री टू जा सिक्स वाई ओके लाइक अरेंज कर लो पहले स्क्वेयर फिर कोफिशेंट ऑफ सिंगल वाई पहले स्क्वेयर ऑफ वाई ले लिया वाई स्क्वेयर वाली टर्म और फिर सिक्सटी फोर में नाइन प्लस कर लो ये हो जाएगा सेवेंटी थ्री इक्वल्स टू टेन अब हमें देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में अंडर रूट में है वैल्यू और उधर हमारे पास अंडर रूट नहीं है हमने इसका अंडर रूट खत्म करना है तो इस अंडर रूट को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वेरिंग ऑन ऑन बोथ साइड बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने पर हमारे पास क्या इसमें स्क्वेयर लगेगा और इसमें भी स्क्र लगेगा स्क्वेयर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आएगी स्क्वायर y2 6y plus 73 100 100 को भी अरेंज कर लो अब हमें एक तरफ अरेंज करनी है सारी क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है हमारे पास और हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिट भी करना है ओके okay. प्लस का था हंड्रेड लेफ्ट में आकर माइनस हो गया वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स वाई हंड्रेड में सेवेंटी थ्री माइनस कर लेंगे पास 27। 27 क्यूं? हमारे पास बच जाएगा ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन किस चीज का बचेगा माइनस का क्यों क्योंकि हमारे पास हंड्रेड माइनस का बड़ा है प्लस का 73 थ्री छोटा है तो हमारे पास वैल्यू बचगी माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल्स टू जीरो अब बच्चों हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है मिडिल टर्म स्प्लिट आप समझते होंगे कि जो मिडिल टर्म है हमारी उसको हमें ब्रेक करना है और ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये जो थर्ड साइड ये जो कांस्टेंट टर्म है थर्ड वैल्यू है ये आए और प्लस माइनस करने पर जो मिडल में टर्म है वो आए तो इसमें हम बनाते हैं प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास इस वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट क्या है वन तो वन और ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा वन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन प्रोडक्ट शुड बी माइनस ट्वेंटी सेवन और सम सम क्या होता है सम होता है आपके पास सम होगा मिडिल टर्म ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आए तो सम शुड बी सिक्स क्या बोला मैंने प्रोडक्ट शुड बी माइनस ट्वेंटी सेवन प्रोडक्ट हम निकालते हैं अभी तो हमारे पास वाई का कोफिशियंट कुछ नहीं है मतलब वन है तो वन और ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनेगा माइनस वन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन ही बनेगा अदरवाइज यहां कोई और डिजिट होता तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम प्रोडक्ट बनाते ओके okay. सो so, अब कौन सा पेयर हो सकता है तो हम क्या कर लेंगे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टर कर लो ओके okay. प्रोडक्ट आ गया हमारे पास थ्री इंटू थ्री इंटू इसको करके हमारे पास ट्वेंटी सेवन ही बनेगा लेकिन अब हमें दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस ट्वेंटी सेवन और प्लस माइनस करने पर सिक्स तो अगर हम इन दो थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं इन दो थ्री को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच जाता है नाइन और यहाँ पे क्या बच गया तीसरा नंबर दूसरा जो तीसरा नंबर बचा वो थ्री तो दो को मल्टीप्लाई करके नाइन आ गया और ये थ्री तो अब हमें पता है अगर नाइन में से थ्री माइनस करते हैं तो सिक्स आता है और नाइन और थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेंटी तो सेवन आता है तो दैट मीन्स कि ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए हमारे फैक्टर्स होने चाहिए नाइन और थ्री समझ आया बच्चों अगर आपको प्रोडक्ट अगर पता नहीं चलता है कि मिडिल टर्म स्लिट कैसे करें कौन से दो फैक्टर होंगे तो आप जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टर करो प्राइम फैक्टर करके जो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या क्या आ रहा है और किसको प्लस माइनस करने पर हमें सम और प्रोडक्ट मिले तो ये ध्यान दो अब हमारे पास क्या क्या है हमें हमने ढूंढ लिया नाइन और थ्री का पेयर लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि यहां पे हमें साइन किसका चाहिए अगर हमें प्लस का चाहिए तो जो नाइन है वो हमारे पास प्लस का होना चाहिए मतलब बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए तो प्लस नाइन वाई और दूसरा नंबर माइनस का होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप नाइन में से थ्री माइनस करते हैं तो सिक्स आता है प्लस का आएगा और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन टू माइनस माइनस और नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन तो ये था बच्चों मेरे टर्म स्प्लेट ओके अब हम क्या करेंगे जो फर्स्ट टू पेयर्स हैं उनमें कॉमन करेंगे और लास्ट टू पेयर्स में कॉमन करेंगे हम देखेंगे इन दो में क्या कॉमन है इन दो में क्या कॉमन है तो अब है पता है यहाँ पे वाई स्क्र है यहाँ नाइन वाई है तो वाई दोनों में कॉमन है वाई को हमने कॉमन किया वाई स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर में से एक वाई कॉमन किया यहाँ रह गया एक वाई और इसका वाई हमने बाहर ले लिया है यहाँ रह गया सिर्फ नाइन इन दोनों में आगे है हमारे पास माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी सेवन तो हमें पता है कि थ्री थ्री और माइनस ट्वेंटी सेवन एक ही टेबल थ्री के टेबल में ये दोनों आते हैं थ्री वन सा थ्री और थ्री नाइनजा तो हम क्या कॉमन करेंगे थ्री कॉमन करेंगे लेकिन साइन हम इसी टर्म का लगाते हैं ये याद रखना जब भी हम कॉमन करते हैं सेकेंड वाली टर्म में तो साइन उसी टर्म का आता है जो पहली टर्म होती है तो इसका हम ले लेंगे माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री में से माइनस uh, थ्री वाई में से माइनस थ्री कॉमन ले लिया ब्रैकेट में रह गया वाई और क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है और नाइन इक्वल्स टू थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन तो बच्चों जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होते हैं अंदर ब्रैकेट में ये दोनों सेम होते हैं एक सेम डिजिट सेम साइन अगर ये सेम नहीं आते हैं साइन गलत आता है या डिजिट गलत आते हैं तो इसका मतलब आपका मिडिल टर्म स्प्लिट सही नहीं है फिर करेंगे हम कॉमन हम कॉमन करते हैं जो हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन चीजें ली है एक पेयर इससे बनेगा y माइनस थ्री और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास कॉमन है ब्रैकेट्स में दोनों उनके लिए एक ये आगे हमारे पास दो फैक्टर्स अब हमारे पास इक्वल टू तो जीरो है हम इनकी जीरो बनाएंगे और जीरो बनाने के बाद जीरो बनाने के बाद ये हो जाएगा वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस नाइन टू जीरो इनको अरेंज कर लेंगे तो माइनस का थ्री राइट साइड में जाकर जीरो के उधर प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा सो so, हमारे पास वाई की वैल्यूज़ क्या क्या हैं वाई की वैल्यू देयरफॉर फोर वाई इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू माइनस नाइन वाई की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो वाई इक्वल्स टू थ्री कॉमा माइनस नाइन ये हमारे पास समझ आ गया बच्चों मिडिल टर्म स्लिट कैसे करते हैं प्रोडक्ट हमारा बनता है फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड इसको आप इस तरह से बोल सकते हो ए इंटू सी ए इंटू सी को इनका प्रोडक्ट करके क्योंकि जो ए होता है वो कोफिशियंट ऑफ स्क्वायर वाली टर्म का होता है और जो सी होती है वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है तो ए इंटू सी करके प्रोडक्ट बनता है आपका और मिडिल टर्म तो आपकी मिडिल जो कोफिशेंट ऑफ सिंगल अल्फाबेट की होती है उसको मिडिल टर्म बोलते हैं बीच में होती है और उसको ब्रेक करना होता है मिडिल टर्म स्लिट बोलते हैं इसको कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में जो प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म दे और प्रोडक्ट जो है वो इनका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और फिर करते हैं कॉमन फर्स्ट टू में कॉमन लास्ट टू में कॉमन ओके फर्स्ट टू में कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है उसको जैसे इसमें वाई स्क्वेयर और प्लस नाइन वाई है इसमें हमने वाई कॉमन कर लिया वाई स्क्वेयर से वाई कॉमन कर लिया तो यहाँ रह गया सिर्फ नाइन क्योंकि इसका वाई भी हमने कॉमन कर लिया है आगे वाले टर्म में हमारे पास माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी सेवन है और थ्री और ट्वेंटी सेवन थ्री के टेबल में आते हैं इसलिए हमने थ्री कॉमन किया साइन हमने वही लगाना है जो हमें सेकेंड वाली जो आपका जिसमें आप कॉमन कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म का है तो हमेशा याद रखना ये वाला साइन यहाँ पे पुट करना है प्लस होगा तो प्लस लगेगा माइनस होगा तो माइनस लगेगा और आगे फिर कॉमन करके जो इन दोनों में से जो हमने कॉमन किया वो सिमिलर फर्स्ट वाले ब्रैकेट की तरह आता है तो ये हमारा एक वेरिफिकेशन होता है कि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो आपके पास जो ब्रैकेट में डिजिट्स आए हैं जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं वो सेम डिजिट सेम साइन होना चाहिए अगर वो सही इस तरह से सेम आता है तो आपका फैक्टर जो है वो सही है नहीं आती हैं अलग आती हैं तो गलत है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा और फैक्टर ढूंढने के लिए आप प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर कर सकते हो प्राइम फैक्टर करके फिर आप जो बाहर जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर और जो है हमारे पास प्रोडक्ट आए और प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आए ओके okay, तो बच्चों यही था हमारा क्वेश्चन नंबर एट आई होप आपको समझ आ गया होगा सो so, समझ आ गया है तो प्लीज़ टेंथ क्लास का मैथ्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच